पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। 1990 में पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत के मामले में करीब 30 साल बाद भट्ट को यह सजा मिली है। जामनगर की अदालत ने इस मामले में पूर्व आईपीएस को उम्र कैद की सजा दे दी है। आपको बता दें कि भट्ट गुजरात के जामनगर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ थे और जब एक व्यक्ति की हिरासत में मौत हुई थी, अभियोजन पक्ष के अनुसार भट्ट ने वहां एक सांप्रदायिक दंगे के दौरान 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया था और इनमें से एक व्यक्ति की रिहा किए जाने के बाद अस्पताल में मौत हो गई थी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।